अभी एक वायरस गया नहीं था तब तक दूसरा वायरस आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हंता वायरस की, जिसने कि आते ही 23 मार्च को फिर से एक आदमी की जान ले ली है। मतलब 23 मार्च को चाइना में एक और आदमी इसकी वजह से मर चुका है। मैं एक और बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जो हंता वायरस आया है। 2019 के जनवरी के महीने में पेटागोनिया लोकेशन पे इसकी वजह से 23 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। जो भी इसके मेडिसिन है, क्योर है, इसके सिम्टम्स है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो मेक श्योर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए। सो चलिए कुछ सीखते हैं। हंता वायरस, जिसकी वजह से चाइना में ऑलरेडी 23 मार्च को एक पर्सन की फिर से डेथ हो चुकी है। हालांकि ये ओरिजिनेट चाइना से नहीं हुआ है, ये ओरिजिनेट हुआ था पेटागोनिया से। पेटागोनिया में 2019 के जनवरी के महीने में 23 लोग इसके शिकार पाए गए थे, मतलब उनको ये हंता वायरस इन्फेक्ट कर चुका था। फिर साइंटिस्ट ने जब उनकी जाँच की, मतलब जब उन पर रिसर्च हुआ, तो ये पता चला कि हंता वायरस बेसिकली नॉन क्वांटिजिबल है, मतलब इंसानों से ये नहीं होता है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, फिर ये पता चला कि ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है चूहों से। मतलब अगर आप चूहों के यूरिन या सलाइवा को टच करके अपने फेस या नोज पे हाथ रखते हो, तो वो वायरस आपके शरीर में चले जाते हैं, जिससे कि आपको ये हंता वायरस होता है। और ये इंसानों के कॉन्टैक्ट से नहीं होता, शेयर नहीं होता है। इस हंता वायरस के सिम्टम्स बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी, सर्दी, सांस लेने में प्रॉब्लम और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको ये है तो आप शक के दायरे में आ गए हो और आप अपनी जल्दी से जांच करवा लो। हालांकि इसका पता चलने में, इस सिम्टम्स का पता चलने में 1 से लेकर 8 हफ्तों तक का वक्त लग जाता है। और इसकी जो डेथ चांस है वो है 38%, मीन्स 100 में से 38 लोगों की डेथ हो सकती है, इसे ये चांस है इसका। और अगर इसकी मेडिसिन की बात की जाए तो अभी तक इसका कोई वैक्सीन, मेडिसिन, क्योर कुछ भी नहीं बना है इसका। मतलब कुछ भी नहीं है इस वायरस का आपके पास, बस आपके पास जो है वो है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो अपने आप फाइट कर लेगा। हालांकि आप कुछ प्रिकॉशंस लो, इससे बचते रहो, हाथ जो नॉर्मल प्रिकॉशंस होते हैं, हाथ धोते रहो, फेस पे हाथ ना रखो, वो सब आप अप्लाई ज़रूर करो। और इस वीडियो में आपको, आपके लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है। मतलब इस हंता वायरस को लेकर ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है, इतनी ही हुई है जो कि मैंने आपको पूरी वीडियो में कम्प्लीटली बता दी। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि ये वायरस इंडिया में आ जाएगा नहीं आएगा, और अगर आ जाएगा तो इंडिया वाले कितने प्रिपेयर रहेंगे इसके लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड